व्यापारी के ये सब बेतुकी बाता बोलते हो, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो सातवां पास है कि आठवां पास है वो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने फाइनली आज एनडीए में जाने का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान करने के बाद आज जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के खिलाफ खूब बयानबाजी की। तेजस्वी यादव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो आठवीं पास नहीं, वो एमए पास है, वो प्रोफेसर है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं। इसको लेकर बीजेपी के नेता लगातार, लीडरान जो है लगातार तेजस्वी यादव पर हमला बोलते रहे, और आज एनडीए में शामिल होने के बाद जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी वो पार्टी है जहां भाई भतीजावाद और करप्शन का बोलबाला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आठवीं फेल नहीं, वो प्रोफेसर है, एमए पास है। आगे वीडियो में देखिए कि तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। सब बेतुकी बात आप बोलते हो, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो सातवां पास है कि आठवां पास है वो, क्या जो तक कृपा के कौन बात है। अरे उसमें दूसरी बात को भी आप लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया, जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया, अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जीताए गए उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। और लालू जी उस समय अपना ये में गर्ज में हमसे नहीं है, बसंती जी बैठे हुए हैं, यही दानी जी बैठे हुए हैं, टाइम विदाउट नंबर कि भाई किसी तरह से जीतन मांझी को लाइए, जीतन मांझी को लाइए। और ठीक है, हम तो थे एनडीए में ही, हर सर तरह से प्रतिष्ठा थी, प्रधानमंत्री बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन जब मीटिंग 2015 में होती थी तो किसी का नाम नहीं होता, सबसे पहले जीतन मांझी का नाम लेते थे। अभी इंडिया राइजिंग का चल रहा था वहाँ दिल्ली में, हम थर्ड फ्रंट में बैठे हुए थे, वही कुकुट बांध के बारे में उन्होंने चर्चा शुरू किया कि हम बिहार के लिए किया जो 24 करोड़ में था अब 300 करोड़ में होने जा रहा है, हमने उसको किया। देखे जीतन मांझी बैठे हुए हैं उन्हीं का राज का, सब लोग देखने लगा कि कौन जीतन मांझी है। तो कहने का मेरा मतलब, हमको हर तरह से सम्मान था, लेकिन लालू प्रसाद जी के गलत मैंने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहाँ भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है, इसलिए वहाँ गए। और जिसमें एमएलसी उन्होंने बनाया, कोई दया उन्होंने नहीं की, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत किया गया, उसके ये में उन लोगों ने बनाया, यही आज से आप लोगों को समझना चाहिए। करप्शन वाली चीज तो 90 के दशक से है, आपको अभी पता चला। सर एक बात बताइए कि आप विधानसभा का चुनाव भी प्रश्न आप कीजिएगा, हम सीट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारा कोई बात ही नहीं है सीट का कि क्या करेंगे क्या ना होगा, आपस में बैठ करके हम लोग इसको तय कर लेंगे, और यथासंभव ही वो तय हो जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग इसके लिए हमको अधिकृत किया, वो आज भी है, हमारे कार्यकर्ता सभी अनुशासित हैं, और जो भी निर्णय होगा उसको मान्य करके जिस गठबंधन के साथ हम लोग आज फैसला ले रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए के साथ, उसको जिताने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता समस्त बिहार में प्राणपण से लगेंगे, और राज्य हित में बिहार में एनडीए की सरकार बने इसके लिए हम लोग एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे, यही कहने के लिए आज हम आप लोगों को बुलाए थे। देखिए, कोई भी काम जब होता है तो विचारों उपरांत होता है, और विचार तो अपना हम उसी दिन मन बना लिया था, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हम कार्यकर्ताओं का मन को टटोला, नेताओं का मन को टटोला, टटोलते टटोलते आज निष्कर्ष पर हम लोग आए हैं कि हमारे यहाँ 99% कार्यकर्ता हैं जिसको फैसला आज लिया उसके पक्ष में है। इसमें विलम्ब हुआ, ये नहीं कि कोई मोल तोल हो रहा था, तो बात नहीं। सर, बिहार की राजनीति में जहर का जिक्र बार बार है, क्या आपने भी जहर दिया है?
देखिए जहर पीने का कोई सवाल नहीं, जो जिनके लिए जहर कहीं कोई हो तो हो सकता है, हम सदा अमृत पिया है और इस साथ में मैंने जदयू के साथ रह करके और एनडीए के साथ चलने के लिए उस समझिए कि हम लोग का अमृत का घूट होगा वो। सर आपको नहीं लगता है जहाँ फायदा रहता है वहीं आप रहते हैं, बेटे को विधान पार्षद बनाना था तो राजद के साथ थे फिर पलटी मार दी। देखिए कई अभी नहीं सोचा है हमने, हमने कहा है ये बात को भी जान लीजिए कि अभी पहले कहा था, एक शब्द को याद रखिए कि हमने कहा था कि बचपन से हम सिद्धांत पर चलने का प्रयास किया है और ज्येष्ठ राजनीति में जिस समय हम आए थे हमने कहा था कि 75 वर्ष के उम्र तक सक्रिय राजनीति यानी चुनाव के राजनीति में लोगों को रहना चाहिए, 75 वर्ष की उम्र के बाद चुनाव की राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हम 75 वर्ष क्रॉस कर गए हैं, वैसी परिस्थिति में हम 80% अपने को यही सोच रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जमहूरियत है, कार्यकर्ताओं का मनोबल है, राज्य हित है, जिस दल में हम लोग गए हैं, जिस गठबंधन में गए हैं उनका क्या विचार है, इस पर विचार करके आगे निर्णय लेंगे, लेकिन अभी यही है हम अपने मन से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। कुशवाहा जी आ रहे हैं आपके साथ? अब ये बात हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम 2 दिन से बाहर थे, आज आए हैं, क्या यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति है इसकी जानकारी हमको नहीं है। सर एक सवाल है कि जिस तरह से आप महागठबंधन से अलग थे उस समय कई तरह के आरोप थे सरकार के ऊपर, बेरोजगारी मुद्दा रहा, दलितों को का शोषण आपने मुद्दा बनाया, कई तरह की चीजें, क्या लग रहा है कि आप जब जदयू में मिलने जा रहे हैं तो ये मुद्दा जितना मांझी के लिए सक्रिय रहेगा ये बंद हो जाएगा बैठ जाएगा? देखिए कोई भी मुद्दा को सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है, जब बाहर रहता है आदमी तो बोल करके भड़ास निकालता है, लेकिन जब साथ होता है तो मिलजुल करके विचारों उपरांत अगर कहीं कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो हम नीतीश जी के साथ और एनडीए के साथ इसलिए आए हैं कि कहीं कोई बातें ऐसी होगी जो जनता आजकल उसको नहीं समझती है या कहती है कि ये गलत बात है, उन बातों पर विचार करके हम ठीक रास्ते पर चलें, इसका भी प्रयास हम करेंगे।